मेरठ में बुधवार को एक मां ने प्रेमी के साथ मिलकर बेटा बेटी की हत्या कर दी। दोनों ने पहले बच्चों के हाथ पैर बांधकर बेड के बॉक्स में बंद कर दिया। हालात बिगड़ने पर उन्हें बाहर निकाला और नशे का इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद गला दबाकर मार डाला। फिर प्रेमी ने शव को कार की डिग्गी में रखकर 25 किलोमीटर दूर ले जाकर गंग नहर में फेंक दिया। इसके बाद मां ने बच्चों के लापता होने की झूठी कहानी रची। इसके बाद पति के साथ जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की। इस दौरान पत्नी अपने बयान को बार बार बदल रही थी। इस पर पुलिस को उस पर शक हुआ। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल किया। सीओ अमित राय ने बताया कि पुलिस पूछताछ में निशा और सऊद ने हत्या की बात कबूल कर ली है। उनके निशानदेही पर गंगनगर में शव की तलाश की जा रही है। जल्द शव को बरामद कर लिया जाएगा।